Hey, what's up everyone, Manik Kausal, welcome to Watch Day. यहाँ पे Oppo Watch 2 जो कि यहाँ पे finally officially launch हो चुकी है और guys यहाँ पे ये Qualcomm Snapdragon Wear 4100 SoS and 16 day battery accelerated काफी सारे फीचर्स आज finally officially launch हो चुकी है और इसकी सेल भी लगना स्टार्ट हो गई है। आगे वीडियो में Oppo Watch 2 के फीचर्स डिटेल्स एंड प्राइस वगैरह बात करेंगे, सब्सक्राइब टू देख लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए और बेल का फ्रिक नोटिफिकेशन आपको चले गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे Oppo Watch 2 जो कि यहाँ पे फाइनली 2 एडिशन में आती है जिसमें एक 42 mm एंड एक यहाँ पे 46 mm है जिसमें आपको LTE सिम का सपोर्ट मिलता है और ये गई यहाँ पे कलर OS Watch 2.0 के बेस्ट रहती है जो कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यहाँ पे एंड्रॉइड पे टोटली डिपेंडेड है और गाइस यहाँ पे ये एसिलेटेड काफी सारे फीचर था जिसमें आपको जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वालकॉम वियर स्नैपड्रैगन 4100 SoS फीचर किया गया है और 16 डेज की बैटरी मिलती है और कंप्लीट काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे सेलेक्ट काफी सारे फीचर के साथ Oppo Watch 2 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है इन चाइना। वहां पे इसकी सेल आपको 6 अगस्त से लगना स्टार्ट हो रही है, आप जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। लेकिन चलिए आपको Oppo Watch 2 के फीचर्स के बारे में डिटेल्स बताते हैं। यहाँ पे इस Oppo Watch 2 जो कि यहाँ पे 2 एडिशन में आती है जिसमें एक 42 mm है और यहाँ पे एक 46 mm है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 42 mm के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 1.76 इंचेस का अमोल्ड डिस्प्ले फीचर किया गया है जो कि यहाँ पे गाइस आपको 372x430 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है। एंड गाइस बात करते हैं 46 mm, तो इसमें आपको 1.91 इंचेस का अमोल्ड स्क्रीन डिस्प्ले फीचर किया गया है जो कि यहाँ पे 402x476 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है। बहुत स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले में आपको 326 पिक्सल पर इंच इसकी डेंसिटी फीचर की गई है। डिस्प्ले में आपको 3D ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है इसके टॉप में जो कि यहाँ पे डिस्प्ले को प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे गाइस Oppo Watch 2 में आपको यहीं पे इसके प्रोसेसर की बार बात करें तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon Wear 4100 SoS प्रोसेसर फीचर किया गया जो कि वियरेबल का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है। वहीं पे इसमें आपको अपोलो 4S कस्ट प्रोसेसर मिलता है जो कि यहाँ पे एमबिक द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें गाइस यहाँ पे 1 GB रैम एंड यहाँ पे 8 GB इंटरनल स्टोरेज फीचर किया गया है। यहाँ पे Oppo Watch 2 में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सेंसर मिलता है जो कि यहाँ पे 24/7 वर्क करता है। SpO2 मिलता है जो कि ब्लड ऑक्सीजन को मेजरमेंट करता है। यहाँ पे गाइस इसमें आपको स्नोरिंग मेजरमेंट का सेंसर मिलता है, यहाँ पे गाइस ये आपके स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है और स्लीप मॉनिटरिंग का भी सेंसर फीचर किया गया है। यहाँ पे इसमें आपको 100+ स्पोर्ट्स रिलेटेड मोड फीचर किए गए जो कि इजीली आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस Oppo Watch 2 में आपको वाईफाई GPS NFC ब्लूटूथ एंड गाइस यहाँ पे इसमें आपको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं वॉइस कॉलिंग को जिसमें LTE का सपोर्ट मिलता है यानी कि इसमें 4G कनेक्टिविटी मिलती है। डायरेक्टली आप इसमें eSIM को पुट कर सकते हैं ब्राउजिंग के लिए, LTE कॉलिंग के लिए डायरेक्टली आप स्मार्ट वॉचेस से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस Oppo Watch 2 में आपको UDD की टेक्नोलॉजी फीचर की जो कि यहाँ पे अल्ट्रा डायनेमिक डुअल इंजन मिलता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सटेंड करता है इसके बैटरी को। तो वहीं पे बैटरी के बारे में बात करें तो ये गाइस यहाँ पे बोथ एडिशन में आपको डिफरेंट बैटरी मिलती है जिसमें यहाँ पे बात करते हैं 46 mm बैटरी की, तो इसमें आपको 360 mAh की बैटरी कैपेसिटी फीचर की गई जो कि यहाँ पे सिंगल चार्ज में आपको 10 days का प्रवेश देती है। वहीं पे बात करते हैं 46 mm, तो इसमें आपको 510 mAh की बैटरी कैपेसिटी फीचर की गई जो कि यहाँ पे सिंगल चार्ज में 16 days का प्रवेश देती है। यहाँ पे गाइस इसमें आपको वूक का चार्जिंग मिलता है जो कि काफी फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है जहाँ पे जस्ट 10 मिनट की चार्जिंग में 1 hour का प्रवेश देती है। एंड गाइस यहाँ पे ये कुछ Oppo Watch 2 के फीचर जो कि यहाँ पे फाइनली ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग बात करें तो इसका जो 42 mm है इसकी प्राइसिंग आपको 1299 yuan जो कि यहाँ पे इंडियन में 14,900 के करीब आता है। वहीं पे बात करते हैं इसके 46 mm की, तो इसकी प्राइसिंग आपको 1499 yuan जो कि यहाँ पे इंडियन रुपए में 70,200 पे करीब आता है। इनकी सेल आपको 6 अगस्त से लगना स्टार्ट हो रही है, प्री बुकिंग अभी से स्टार्ट है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ओप्पो ने इससे इंडिया में या फिर ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी के बारे में कोई डिटेल शेयर नहीं किया है। एंड यहाँ पे कुछ Oppo Watch 2 के फीचर्स डिटेल्स एंड प्राइस, आपको सारे फीचर्स अच्छे तरह समझ आ गए होंगे। तो आपको वीडियो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए और बेल का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।